रूटीन स्टार्ट करते हैं जी। कैफ वन एफ आर वन का कैफ वन पहले इंट्रो होता था है ना। अच्छा पहले जी कल के हैंडआउट में से सिर्फ हम क्या कर सके थे, हमने 16वें लेक्चर का होमवर्क डिस्कस किया था, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था होमवर्क में, ठीक है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड चलो ये भी कर लेंगे। और आपके जहनों में एक सवाल छोटा सा रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ही सारे सवाल किए, रिड्यूसिंग बैलेंस में रिवैल्यूएशन नहीं हो सकती, तो भाई हो सकती है लेकिन देखा नहीं आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चन बैंक में, ठीक है तो उसको सिलेबस से बाहर कह सकते हैं लेकिन एक सवाल कर लेंगे, फ़र्क तो है कोई नहीं। एक सवाल कर लेने से ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल होता है बंदा कि अच्छा चलो अगर हो गया इस तरह से तो सारी एंट्री सेम सब कुछ बिल्कुल सेम, सिर्फ एक मेथड ऑफ डेफिनेशन ही तो बदलना है, तो वो बदल गया तो क्या हो जाएगा, एक बार किया हुआ हो ये काम तो फिर परेशानी नहीं होती, ठीक है तो ये दो काम कर लेंगे हम। ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड फिर पढ़ेंगे इसके बाद इस हैंडआउट के अंदर जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वाली एग्जांपल थी और एंशियंट वाटर वाली और दूसरी ये रोड इंटरनेशनल वाली, ये फिलहाल आज नहीं करेंगे, ये हैंडआउट आप संभाल के रखेंगे, ये आप कल इनमें से एक और परसों इनमें से एक करेंगे। आज इंशाल्लाह हम नया टॉपिक उसकी बुनियाद हम डाल देंगे, ठीक है तैयार हैं सर इंशाल्लाह। चलिए तो सबसे पहले करते हैं जी अपने कल वाले सवाल को जल्दी से सॉल्व जो आपको मैंने दिया था होमवर्क में। ये ज़रा हैंडआउट चेंज हो गया मेरे पास चेंज हो गया लेकिन आप वही यूज़ कर सकते हैं ना, जो नई चीज़ें होंगी वो फिर मैं आज वाला हैंडआउट दे दूंगा, ठीक है। तो होमवर्क में मैंने आपको ये सवाल दिया था जी, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट वाला सवाल था, इंट्रो की ही रिवीजन है लेकिन एक सवाल कर लेने से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है बंदा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट है रेलेवेंट अकाउंट्स बनाने, एसेट अकाउंट और एक्युमुलेटेड एसेट अकाउंट बना लेते हैं, डिस्पोजल हुआ तो डिस्पोजल का अकाउंट भी बना लेंगे। ले आए जी सर, वापस इंट्रो में चले गए एकदम से, हम वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिए हैं, अकाउंटिंग बदल दी, कैफ ही बदल दिया। अच्छा जी, अच्छा कोई ऐसे बात कर देना जो इररेलेवेंट हो जिससे पढ़ाई का थोड़ा सा शुभा ना हो, नहीं खुश होते हैं क्या, एक्टिव हो जाते हैं ब्रेन सेल्स, एक्टिव हो जाते पहले पैसे हुए हैं। ओके लेट आने वालों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करके मिटा दिया है मैंने लिख के मिटाया कसम उठवा लें ऐसे मैंने ऐसे ऐसे करके लाइनें लगाई थी फिर मैंने वो मिटा दी थी, ऑनलाइन वाले ना परेशान हो जाए पता नहीं क्या हो गया। अच्छा जी ओके स्टार्ट करते हैं सवाल। आसिफ हैज प्रोवाइडेड यू, सर आसिफ हैज प्रोवाइडेड यू विद फॉलोइंग डाटा, व्हीकल का अकाउंट है यकम जनवरी 7 पे 600 उसकी कॉस्ट है, 250 उसकी क्यूमुलेटेड, 1000 में कर रहा हूँ सवाल, ठीक है ना। तो व्हीकल अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जी, रुपीज इन थाउजेंड लाजमी लिखा, अगर रिक्वायरमेंट है लेजर तो यहाँ पे लिखना जरूरी है। अच्छा ऐसे रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड, और अब इसी तरह जहां जहां लेजर हो वहां वहां लिख लेना, मैं नहीं दोबारा लिख रहा। ओके जी यकम जनवरी 2007 पे ओपनिंग है एसेट का 600 और अक्यूमुलेटेशन का ओपनिंग है 250, तो यकम जनवरी 2007 ब्रॉड डाउन बोलो 600, यकम जनवरी 2007 ब्रॉड डाउन 250, ठीक है जी। बैठ जाएं जी, जल्दी सेटल डाउन हो जाएं, ये जो बच्चे बैठे हैं ना सीटों पे ये सारे कोने वाली सीटें खाली कर दें जल्दी से, मुझे दोबारा मैं पीछे देखूं तो सीटें खाली हों सबकी, साइड वाली कॉर्नर प्लॉट सारे छोड़ दें जल्दी करें, सब बच्चे अपनी अपनी सीट को इंश्योर करें, छः से काम जहां बैठे हैं पहले तो वो एक एक सीट खाली करें फिर देखेंगे जरूरत पड़ी तो, जल्दी कर लें खुद इंश्योर करें जिस सीट पे छः से काम है पहली रो के अलावा। ये चौथी रो में भी ये एप्लीकेबल है, चौथी रो पर भी ये एप्लीकेबल है, हाँ आप साथ होंगे बेटा तो जगह बनेगी, हो जाए नहीं 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 साथ हो जाए, साथ हो जाए, कंडक्टर हूँ मैं, सॉरी उठा लो जगह बना लो खुद ही कर लिया करें, पैर आ जाओ पाइन बड़ी जगह है। ओके शुरू करें जी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, इम्पेयरमेंट शुरू करना है आज, I-36 शुरू करेंगे ठीक है। अच्छा अच्छा कुछ नहीं जी, ओपनिंग आ गई। फॉलोइंग इज द ब्रेकअप ऑफ अबव एसेट्स, ये 6 लाख के जो एसेट्स हैं इनका ब्रेकअप कुछ इस तरह से है
इसमें तीन तरह के एसेट्स हैं, यानी कि तीन दफ़ा एसेट्स खरीदे गए, एक यकम जुलाई 2002 को, दूसरा यकम जुलाई 2005 को, तीसरे यकम जनवरी 2006 को, और हम 2007 में मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, लाइफ ऑफ ऑल एसेट्स इज 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का मतलब 20% भी होता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, 1/5 × 100 कर दें तो 20%, ठीक है, ओके। एडिशन एक हुआ है और एक डिस्पोजल भी हुआ है, और 2007, 2008, 2009 के अकाउंट्स बनाने हैं हमने, ठीक है। शुरू करें सवाल, तो इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, बस देख लेते हैं क्यों दिया हुआ है बाद में, ठीक है। फिलहाल तो 2007 की बात करते हैं और एडिशन लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है, और डिस्पोजल को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, जो काम नॉर्मली करते आ रहे हैं वो तो कर लेना जी। एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 90 एज ऑन यकम मार्च 2007 जी। कितना एडिशन है 90 का, एंट्री बोलेंगे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट यकम मार्च 2007, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पोजल की बात कर लेते हैं। एन एसेट हैविंग कॉस्ट ऑफ 70 ऑन यकम जनवरी 6, इनमें से इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च 2007 फॉर 30,000। डिस्पोजल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिंपल, चार स्टेप्स थे डिस्पोजल के, याद है। स्टेप वन, हम एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकालेंगे 70,000। स्टेप टू, एक्युमुलेटेड डेब्ट अकाउंट में से इसकी सारी जिंदगी की एक्युमुलेटेड डेब्ट निकालेंगे। तो चलो ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म कर लेते हैं फटाफट। डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं गेन लॉस निकालने के लिए। डिस्पोजल जी, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट क्या करनी है हमने, क्रेडिट। कितनी है कॉस्ट, 70,000। तो 70 से एसेट अकाउंट को कर दिया हमने क्रेडिट, और दूसरा इंपैक्ट गेन लॉस निकालने के लिए डिस्पोजल में। इसकी अपनी कोई नेचर नहीं होती, आपको पता है, बस थोड़ी देर के लिए आया गेन लॉस निकालने के लिए, ठीक है जी। एसेट किस दिन बिका है, 30 मार्च 2007। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 31 मार्च 2007। अच्छा, 30 मार्च से, पता है ना एग्जांपल में बताया था ना आपको, 30 मार्च से ज़रा कहानी बदल जानी थी, फिर हमें भी आए 30 मार्च वाले महीने की डेडशन हम नहीं ले सकते थे, ठीक है, लेकिन डेट 30 मार्च हो सकती थी, ओके। नेक्स्ट, कॉस्ट निकल आई, अब खरीदा कब था, यकम जनवरी 6 को। अब इसकी क्या कर लेते हैं हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो वर्किंग वन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, शॉर्टकट लगाएंगे, एक साल की डेप्रिसिएशन 70 × 20% कर दूं, 20% का मतलब 5 साल ही है ना अपने पास, जिनके पास हैंड आउट हार्ड में हो वो 5 ईयर्स को अंडरलाइन करके 1/5 × 100 करके 20% लिख सकते हैं, ठीक है। 5 ईयर्स ही है लाइफ, लेकिन ज़रा यहाँ पे थोड़ा बट्टा करने हो ना, जगह ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं 20% लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई करना चाहे डिवाइड बाय लाइफ तो बेशक करे, ओके। भाई ये कैमरा के सामने ये आते रहते हैं, बैठते रहते हैं, टाइम पे आया करें या इधर ना बैठा करें, ओके। ये तो आ जाएगी जी, एक साल की डेप्रिसिएशन, एस एन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर इनटू जितनी लाइफ इसकी हमारे पास गुजरी। तो यकम जनवरी 2006 को हमने से ख़रीदा था, तो 31 दिसंबर 6 तक पूरा साल इस्तेमाल हुआ, और 31 मार्च 7 तक 3 महीने। तो क्या लिखना, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, पर डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 साल और 3 महीने। तो 3 महीने को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो 3/12 कर दोगे कैलकुलेटर पे ही, ठीक है। तो 3/12 किया आपने, क्या आ गया, 0.25, तुम्हारा 75 आ रहा है, डायरेक्ट किया, अच्छा अच्छा जी। तो 3/12 आ गया 0.25, 1 साल और 0.25 साल, यानी 1.25 ईयर्स, डायरेक्ट कर लिया, कोई तकलीफ किसी को, आंसर आ गया 17.5। अच्छा, कोई बात पहले से आती हो ना, समझ थोड़ी सी आ रही हो, कितना बोलते हैं बार 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 बार, लिखने नहीं देते जी। हाँ जी, स्टेप टू, हम एक्यूमुलेटेड डेब्शन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 17.5 से, जो कि इस एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फिर क्रेडिट 17.5 डिस्पोजल में कर देंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेंगे, यहाँ पर डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट। चलो डिस्पोजल को फड़का दें, डिस्पोजल अब शुरू किया तो खत्म कर देते हैं। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश डिस्पोज ऑफ फॉर 30,000। अब एसेट बिका है तो कैश, कैश का आना डेबिट, तो डिस्पोजल कितने से, 30 से, और अल्हम्दुलिल्लाह लॉस ही है जी, 22.5 का हमें आ गया लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये बैलेंसिंग फिगर, खत्म कहानी इसकी, ये बैलेंस हो गया, डेड हो गया, गेन लॉस इसे निकाल के दे दिया और चला गया, ठीक है।
सवाल पूरा कर देना मैंने एक बार, ठीक है ना। उसके बाद अगला काम अब क्या रह गया, डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग, ठीक है। अच्छा ये मैं ज़रा जगह खुली करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको बंद कर, नज़र ना आए तो माजरत, पढ़ूंगा गुजारा कर लेना फिर, ठीक है ना, ये ब्रेकअप जब बाद में पढ़ना है, फिलहाल तो छोड़ दें इस बात को, फिलहाल तो डेप्शन एक्सपेंस जैसे आज तक करते आए वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग टू आ गई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग ऑन ओपनिंग, और उसमें से हम एक्सक्लूड क्या कर दिया करते थे, डिस्पोजल, ठीक है जी। तो ऑन ओपनिंग, मैंने भी ऐसा कोई लफ्ज अभी तक बोला ही नहीं क्लास में, अच्छा जो आपने बोला अभी जी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, यही करते थे। इसकी रिवीजन भी की थी हमने इंट्रो वाली FR1 में की थी ना स्टार्ट में। अच्छा मेथड कौन सा है, तो फिर ओपनिंग WDV या कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स पे में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस कर देते थे, ठीक है, और बकाया पर लगा देते थे रेट। लेकिन इसको अभी रोक दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, करते जो काम थे वो जरा बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये काम तुम करते थे ना, ठीक है, ओके नेक्स्ट। इसके बाद ऑन ये नोट कर लो, अच्छा ऑन एडिशन, जगह थोड़ी सी काम है मेरे पास आज, ऑन एडिशंस, और कितने एडिशंस हैं, एक ही है, चलो जी, 90 की कॉस्ट है, 20% रेट है, और 10/12 15 आ गया, ये 15 है, 15 नजर आ रहा है, 15 एंड तक 15, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद होता था जी ऑन डिस्पोजल्स, अच्छा अब डिस्पोजल्स हैं, बिल्कुल है डिस्पोजल, अब मेथड स्ट्रेट लाइन है तो जौन सा मर्जी साल हो कॉस्ट ही रेलेवेंट है ना, तो इसकी 70 पे डेप्रिसिएशन निकलेगी 20%, लेकिन हाँ मार्च को ये चला गया तो 3/12 3.5 आ गया। यहाँ तक सवाल में कोई चेंज नहीं सर। अब ज़रा ब्रेकअप की तरफ आते हैं, हर एसेट की लाइफ 5 साल है, फुली डेप्रिशिएटेड समझ तो है ना, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का मतलब पता है क्या है, एक एसेट जो है मिसाल के तौर पे, शायद हमने ये सवाल रिवाइज नहीं किया था इंट्रो वाला, वो भी कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक एसेट हमने ख़रीदा 2010 में 90 रुपये का, इसकी यूजफुल लाइफ थी 3 साल, तो पहले साल के एंड पे कितना डेप्रिशिएट होगा स्ट्रेट लाइन 30, तो 30 ही इसकी क्या हो जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी बुक वैल्यू 11 आएगा, एसेट कोई और नहीं ख़रीदा, ये 90 का नज़र आ रहा है, लेकिन इसने मजीद इस साल जब डेप्रिशिएट होना है कितना डेप्रिशिएट होगा, मजीद 30 डेप्रिशिएट होगा, तो एक्यूमुलेटेड एक्शन इसकी हो जाएगी 60, और बुक वैल्यू इसकी 20 आएगी। 12 वाले साल में भी इसकी कॉस्ट 90 ही है, कोई नया एसेट नहीं खरीदा और मजीद डेप्रिशिएट होके, तो जब एसेट की बुक वैल्यू हो जाए 0 या एसेट की कॉस्ट उसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब होता है एसेट इज फुली डेप्रिशिएटेड, ठीक है। अब जो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है वो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट अगले साल इस्तेमाल होने से इनकार कर देगा, इज इट सो, वो क्या कहेगा, मैं तो फुली डेप्रिशिएट हो गया हूँ, 3 साल सोचा था, तीसरे साल के एंड पे रात 12 बजे एक चीख मारेगा और बिखर जाएगा मोटरसाइकिल, आपने सोचा था लाइट कहीं पड़ी होगी, टायर कहीं पड़े होंगे, हैंडल कहीं पड़ा होगा, ऐसा होगा ना, नहीं ऐसा नहीं होता, एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया मतलब हमने सोचा था 3 साल उसको इस्तेमाल करेंगे, 3 साल इस्तेमाल कर लिया, अब उसकी कॉस्ट पूरी की पूरी हमने एक्सपेंस बना ली। अगर एसेट की हालत ठीक है तो खाम खा खर्चा करने के बजाय हम कहेंगे ठीक है इसको चलाई जाओ, क्या करो, अब अगले साल जब ये मजीद चलेगा तो कॉस्ट तो 90 ही है, मजीद डेप्रिशिएट करने से ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव एसेट तो होता ही नहीं अकाउंटिंग में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नेगेटिव एसेट, बात समझे हो, तो फिर मतलब ये कि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट को हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट को यूज़ करने की ममानियत नहीं है, मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जितनी कॉस्ट थी वो सारी की सारी ही डेप्रिशिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये इंटो में आप लोग पढ़ा करते हैं, ठीक है, कि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट कैन बी यूज्ड फर्दर, ठीक है, या यूँ लिख लें हम अगर इस एग्जांपल की बात करें तो द एसेट कैन बी यूज्ड इन 2013 बट इट विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड एज इट इज फुली डेप्रिशिएटेड, बात समझ गए, जब तक एसेट बिक नहीं जाता
रहेगा हमारी किताबों में, डेप्रीशिएट मजीद नहीं कर सकते। कोई लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है, अपने पास स्टार लगा के, अ फुली डेप्रीशिएटेड एसेट कैन बी यूज्ड बट इट विल नॉट बी डेप्रीशिएटेड। क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, 90 की 90 एक्सपेंस आउट कर दी, तो अब मतलब मिसाल बच्चों को मैं एंटो में दिया करता हूँ, एक जग पानी का आपके पास हो, उसमें से एक जग ही पानी निकलना है ना, तो वो सारा आपने जब निकाल लिया है तो आप मजीद उसमें से क्या निकाल सकते हो, ठीक है, इतनी करामत तो आप में है नहीं कि उसमें से दो निकल आए। अच्छा, तो कहने का मकसद यह है कि फुली डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है, इस्तेमाल करना है तो किए जाओ, एसेट सही हालत में चला ही रखो, मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसका डेप्रिशिएशन एक्सपेंस आपने 13 में 14 में 15 में आप रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि वो जितना जितनी कॉस्ट थी वो सारी ही डेप्रिशिएट हो चुकी। क्लियर क्वेश्चन? हम रिवर्सन मॉडल पर नहीं चल रहे, फिर IS-16 अलाउ करते हैं ना, हम कॉस्ट मॉडल पे हैं। भाई पूछ रहे हैं रिवैल्यूशन, हम रिवैल्यू कर लें, भाई हमारा मॉडल ही कॉस्ट है। IS-8 क्या है पता है आपको क्या है? खैर जब हमारी नेटबुक वैल्यू जीरो हुई है। नहीं नहीं, IS-8 क्या है मुझे बताओ, अभी पढ़ाया तो है नहीं मैंने। चैंपियन मेरी बात सुनो, IS-8 कहता है आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदल लो, कि IS-8 की अकाउंटिंग पॉलिसी है नहीं कॉस्ट रिवैल्यूशन मॉडल, उसने लिखा हुआ है, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है प्रायर ईयर एरर है तो आप सही कर लो, कि प्रायर ईयर एरर नहीं है, क्यों सही करें, क्या एरर है? एस्टीमेट चेंज भी नहीं है, हमने एस्टीमेट चेंज किया ही नहीं, लेकिन हम या तो 12 में खड़े होकर ये सोच लेते नहीं इसकी लाइफ अभी बाकी है, ठीक है, और हम उसकी लाइफ को चेंज कर देते तो रिविजन आ जाती, चेंज इन एस्टीमेट आ जाता, हमने नहीं किया, नहीं किया तो बस ठीक है, खत्म हो गया, फुली डेप्रिशिएट हो गया। अब 14 में 13 में खड़े हो, इस्तेमाल करना चाहते हो तो करो, डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब यही था कि 3 साल के लिए सोचा था, बस 3 साल इस्तेमाल कर लिया, एक्सपेंस आउट हो गया, बस ठीक है, अब एसेट बदलने का इरादा बदल गया, अब नहीं बदला तो खैर है भाई, ठीक है, होना था जो एक्सपेंस हो गया, अब चलो 14 में इस्तेमाल करो, 15 में भी करो, कोई मसला नहीं, डेप्रिशिएट नहीं करोगे, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एसेट, जिस साल में एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाए, जिस दिन फुली डेप्रिशिएट हो जाए, उस दिन से ऑनवर्ड इसको डेप्रिशिएट करने की इजाजत नहीं होती, ठीक है। हमने 1 जनवरी 6 को कुछ एसेट्स खरीदे थे, हम इस वक्त 31 दिसंबर 7 पे खड़े हैं, ठीक है, तो 1 जनवरी 6 को खरीदे गए एसेट का एक साल 31 दिसंबर 6 को पूरा हुआ, दूसरा 31 दिसंबर 7 को, 5 साल अगर इसकी लाइफ है तो इसकी लाइफ तो भी काफ़ी पड़ी है, ये तो फुली डेप्रिशिएट नहीं हुए ये वाले एसेट्स। 1 जुलाई 5 वाले के पास गए, 1 जुलाई 5 वाले एसेट तुम कितना पुराने हो गए, उसने कहा 31 दिसंबर 5 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 6 तक पूरा साल, 31 दिसंबर 7 तक भी ये साल गुजर जाए पूरा भी तो भी मेरे 2.5 साल उम्र गुजरी, 2.5 अभी बाकी है। हमने कहा ठीक है, तुम भी अभी तुम्हारी भी लाइफ पड़ी है, तुम्हारा भी खतरा नहीं है हमें, ठीक है। 1 जुलाई 2 वाले के पास आए, उसने कहा जी 31 दिसंबर 2 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 3 तक पूरा साल, 4 तक पूरा साल, 5 तक पूरा साल, 6 तक पूरा साल, और 7 में 30 जून पे मेरी लाइफ हो जानी है पूरी। तो हमने कहा ओए अल्लाह के बंदे, 150 ये एसेट अल्लाह का बंदा कह रहे हैं इसको, ठीक है, वो अल्लाह के बंदे तुम इस 600 में पढ़े हो, मैंने कहा हाँ पढ़ो, लेकिन तुम सारा साल डेप्रिशिएट नहीं हो सकते, मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा यार फिर हमें तुम्हें ओपनिंग से तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ वो एसेट्स रखते हैं जो साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक डेप्रिशिएट हो सकें, अब इसने तो लाइक डिस्पोजल पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं होना, तो फिर एंड FDA लिख दूं, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट, जरा जगह कम है, ठीक है, जैसे हमने डिस्पोजल को माइनस किया वैसे ही फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट को भी माइनस कर देना है, ठीक है, सही है, अब बकाया पर रेट लगा दो, समझ गए। अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 600 थी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 70, ये तो करते आए, और फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट की कॉस्ट कितनी है 150, ये 150 अगर ओपनिंग में पड़ा रह गया तो ये पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा, हमने इसको ओपनिंग में से निकाल दिया बाहर, ठीक है जी, अब जो बाकी हैं वो सारा साल डेप्रिशिएट करने वाले हैं, 20% जी, कितना 70, ठीक है। लेकिन जैसे आपने डिस्पोजल को अलग किया और जितना अरसा डेप्रिशिएट होना था इस साल में उसको डेप्रिशिएट किया, वैसे ही इसको अलग करके अब छोड़ नहीं देना, बल्कि इसको भी आपने ऐसे ही अलग लाकर डेप्रिशिएट करना है, तो एक एडिशनल लाइन पड़ गई हमारी ऑन फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स, और इसके अंदर ये 150 आया, इसको 20% किया, और हमने कहा चल भाई अब 6 महीने ही डेप्रिशिएट हो सकता है, तू 15 पूरा, ये
ठीक है, ये बात समझे हो? ये बात तो समझ आ जाती है, अभी अगले साल की बात समझानी है असल में जी। 109.5 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 109.342, तो 342 आ गया हमारे पास क्लोजिंग, और 600। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला? ठीक है भाई, डिस्पोज नहीं किया हमने, फुली डेप्रिशिएटेड बात ही समझाने जा रहा हूँ अब। ठीक है, जो एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाता है वो खुद से डिस्पोज, बताया नहीं आपको रात 12 बजे नहीं वो चीख की आवाज़ आनी, ठीक है ना? और एसेट आप इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं, मतलब फुली डेप्रिशिएट होने का मतलब ये कतन नहीं है कि वो डिस्पोज हो गया है। डिस्पोजल के तो अपने 4 स्टेप्स हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कॉस्ट में से जितनी फिगर निकलेगी फुली डेप्रिशिएट की एक्युमुलेशन से उतनी फिगर निकलेगी, मतलब अगर फुली डेप्रिशिएट एसेट पे 1 रुपया भी मिले तो वो भी गेन है। फुली डेप्रिशिएट एसेट का मतलब क्या है? जिसकी बुक वैल्यू 0 है, हमारे हिसाब से एक चीज़ की वैल्यू कितनी है? 0, उस पर 1 रुपया भी मिल गया तो वो गेन है। बात समझ गया ना? बहरहाल फिलहाल तो ये बेचा नहीं, ठीक है। देखो ये 70-60-600 में पड़ा था, बोलो ये 70-600 में पड़ा था पहले ओपनिंग पे, हमने इस साल में इसको क्रेडिट कर दिया तो ये क्लोजिंग में 620 नहीं आया। क्लियर? बोलो ये 70 ओपनिंग में पड़ा था, बोलो हमने जब इसको क्रेडिट किया एसेट अकाउंट से तो क्लोजिंग में ये आया नहीं आया। 150 जो फुली डेप्रिशिएट हुआ है एसेट, 150 वाला एक ही समझ लो, बोलना आसान होगा, ठीक है। 150 वाला एसेट भी 600 में पड़ा था, हमने उसको क्रेडिट किया, इसका मतलब वो अभी क्लोजिंग में भी पड़ा है। अच्छा, वो क्लोजिंग में पड़ा है तो वो फिर अगले साल ओपनिंग में भी पड़ा है, वो मन उस जब तक जाएगा नहीं तब तक किताबों में पड़ा है। निकालने के लिए तो रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, और उसके लिए तो 4 स्टेप्स, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, एक्युमुलेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, तब नहीं जाके ये निकलेगा हमारी किताबों से, अभी तो घुसा हुआ है किताबों में। इसकी पूरी 150 की कॉस्ट 620 में शामिल है, और 620 ही पूरी डेप्रिसिएशन हो गई ना, वो भी इस 150 की कॉस्ट 620 में पड़ी है, 600 में पड़ी है, और 120 की डेप्रिसिएशन 342 में पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ना तो हमने एसेट के अकाउंट में से 150 की कॉस्ट को क्रेडिट किया कि वो निकले, ना ही अक्यूमुलेशन अकाउंट में से उसकी अक्यूमुलेशन 150 को हमने देख लो कहीं पर डेबिट किया कि वो निकल गई हो। बात समझे हो? इसका मतलब जब तक ये डिस्पोज नहीं होगा ये मनहूस हमारे, हाँ, हमारे बिजनेस के अंदर, वर्किंग के अंदर आता रहेगा। कैसे? और तो कुछ हुआ नहीं, 31 दिसंबर कुछ नहीं ना हुआ, कैरी डाउन यही 620 आ गया। चलो एक जैसे सामने आमने रहे जरा बस इसको, ठीक है। और तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो कैलकुलेट होना है ना, एडिशन डिस्पोजल ना भी हो। अब जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने गए 31 दिसंबर 2008 पे, ठीक है, तो वो पर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 हमने ये डेप्रिसिएशन निकाली थी, जब हम आए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 पे, तो उसी तरह से ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स एंड फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स, ठीक है। अब हमने जब यहां पर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल ली कितनी है भला? 620, तो इसमें से 70 निकल चुका है, यानी दोबारा से 70 को निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 150 मनहूस जो है वो 620 में कल भी पड़ा था, आज भी पड़ा है, ओपनिंग में मौजूद था, क्रेडिट नहीं हुआ तो क्लोजिंग में भी आ गया, इस साल ओपनिंग में भी आ गया। अब अगर इस साल दोबारा इसको ना माइनस किया, ठीक है, ये तो देखो डिस्पोजल की कोई चीज माइनस नहीं होगी, डिस्पोजल जिस साल में होता है सिर्फ उसी साल माइनस हो जाता है, किताबों में से निकल जाता है, लेकिन फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का मसला यह है कि जब तक इसको डिस्पोज नहीं करेंगे इसकी कॉस्ट हमारी कॉस्ट के अंदर ओपनिंग में शामिल रहेगी। जब तक एसेट अकाउंट से निकलेगा नहीं, कॉस्ट पड़ी है ना इसकी, अगर पड़ी है तो फिर इसको हर साल हमें माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस साल यहां पड़ा रहेगा तो इस साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो कितना? 20% आंसर बताओ, 94। देखो कोई डिस्पोजल है? कोई नहीं। कोई फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट है? और एडिशन भी नहीं है माजरा, ठीक है, कोई नहीं। ये देखो, हाँ, इसको दोबारा डेप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि ये मैक्सिमम जो डेप्रिशिएट होना था वो यहां तक होना था, हो गया 6/12 पिछले साल कर दिया, अब इसको मजीद डेप्रिशिएट नहीं, यूज किए जाओ, डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। लेकिन ओपनिंग में से निकालना क्यों जरूरी था? यहां पड़ा तो फिर इस साल डेप्रिशिएट हो जाता, जो कि हमने नहीं करना था, ठीक है। तो टोटल 94
तो 31 दिसंबर 2008 पे क्लोजिंग 436 और क्लोजिंग आया हुआ है, इधर ही लिखो, अच्छा ज़रा सामने सामने ज़रा मैं दिखा लूँगा जी, 620 आज भी 150 यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, डेप्रिशिएट नहीं करना। अगले साल में चले गए यकम जल्दी 2009 पे ब्रॉड डाउन 620, इसमें भी 150 पड़ा है। यकम जल्दी 2008 में ब्रॉड डाउन 436, इसमें 150 की इसकी कमेटेशन पड़ी हुई है सारी की सारी, ठीक है। ज़रा चेक कर लें भाई कहाँ पहुँच गए, 9 में पहुँच गए, कोई और तो नहीं हो गया, ये 6 वाला सवाल मैंने ऐसे ही बदल दिया था, बहरहाल 6 7 8 9 ये भी नहीं, 5 वाला 6 महीने इधर, ठीक है, फिर 6 7 8 9 ये भी 9 तक 4.5 साल, ठीक है, तो अभी तक हम सेफ हैं, ठीक है ना। तो एक काम करें, चलो रहने दो, ठीक है, वैसे समझा देता हूँ ज़बानी। मिसाल के तौर पे अगले साल में ये एसेट बिक जाता, ठीक है, अगर बिक जाता तो 150 यहाँ से क्रेडिट होता, डिस्पोजल में डेबिट हो जाता, 150 यहाँ से डेबिट होता, डिस्पोजल में क्रेडिट हो जाता, कैश जितना आता वही गेन लॉस होता, डिस्पोजल खत्म, खत्म डिस्पोजल। अब क्या करते आप जब आप डेप्शन निकालने आते 2009 की, ठीक है, तो उसमें ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एंड एफडीए करते हो, तो 620 में वो 150 पड़ा होना है, उसको फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, एज यूजुअल, और बकाया पे आप रेट लगा दोगे। लेकिन ना तो डिस्पोजल की कोई डिडक्शन होगी, ना ही फुली डेप्रिसिएटेड की, और सिर्फ ओपनिंग बगैर डिस्पोजल वाले उसकी डिप्रिसिएशन, बगैर एफडीए वाले उनकी डिडक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ कुछ बात समझ आ गई, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ओपनिंग में से माइनस कर देंगे ना, तो ओपनिंग में से माइनस कर दिया, ना डिस्पोजल के आगे उसकी डिडक्शन लेनी है, ना एफडीए में नहीं लेनी, यही अर्ज कर रहा था, आपने समझा नहीं, ठीक है, मैं अगले साल में बता, नहीं माइनस तो करेंगे भाई, ओपनिंग में से माइनस क्यों नहीं करेंगे भाई, 620 में तो पड़ा है ना, आपने ओपनिंग अगले साल भी, मैं क्यों अगले साल में नहीं जा रहा, अगले साल एक और फुली डेफिसिट हो रहे हैं, एक और एसेट नहीं हो रहा 2009 में, कोई नहीं हो रहा ना 2009, ठहरो लेट मी चेक, 2010 में हो रहे सारे, कर लेते हैं अगला साल, तुम्हारी तकलीफ दूर करें जी। 6 वाले 6 7 8 9 नहीं, 5 वाले 6 7 8 9, लेकिन 6 महीने इधर से अभी 6 महीने बाकी हैं, ठीक है, आओ अगले साल चलो, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो 31 दिसंबर 2009 पर ये क्लोजिंग, अब रुक जाओ, लेकिन मैंने कहा अज्यूम कर रहा हूँ, सवाल में नहीं लिखा हुआ, आप अज्यूम कर रहा हूँ, ये ब्लू ये एसेट बिक गया, जिस दिन मर्जी बिक गया हमारी बला से, किसी दिन भी बेच दो, ठीक है, 30 जून को बेच दो, ठीक है, 30 जून को हमारा ये एसेट बिक गया। अब स्टेप वन, एसेट अकाउंट में एसेट की कॉस्ट क्रेडिट, कहाँ बैंक हो गए, डिस्पोजल में, ठीक है। स्टेप टू, एक्युमुलेशन में से इसकी एक्युमुलेशन डेबिट, कहाँ बैंक दोगे, डिस्पोजल में, ठीक है, कहानी खत्म, ठीक है। अब इस साल की डिडक्शन की बारी है, अब जब इस साल की डिडक्शन की बारी आई तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, ना नजर आया तो गुजारा करो, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एंड एफडीए, ओपनिंग कितना है जी, मसला ये है इसमें 150 पड़ा है, निकालना पड़ेगा, लेकिन अब निकलेगा डिस्पोजल के नाम से 150, फुली डेफिसिट तो रहा नहीं आपको, ठीक है, बाकी पे रेट नाम नूम कुछ नहीं होते, कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस, कितना, वही 94, अगर ना निकालते इस दफा तो यहाँ पे डेफिसिट हो जाता, तो जब तक ये मन उस बिजनेस से निकल नहीं जाएगा ना, तब तक ये जान नहीं छूटनी हमारी। अब देखो कोई एडिशन नहीं, वो तो है ही ना, कोई डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, फुली डेप्रिशिएटेड भी नहीं लेनी, तो फिर 94 आ जाएगी डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट ईयर में ये काम करना ही नहीं पड़ेगा, उसकी वजह क्या है, 620 में से 150 माइनस होके क्लोजिंग, अब ये मनुष्य ने जान छोड़ी हमारी, अब अगले साल इसको माइनस नहीं करना पड़ेगा, समझे हो, तो जब तक डिस्पोज नहीं हो जाएगा ना, हर साल ओपनिंग में से इसको माइनस करते रहना पड़ेगा जी। कैरी डाउन 94 की डेप्रिसिएशन पड़ी 300, सही है, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने, सर कितने बच्चों ने ऐसे ही कर लिया था घर पे, बाकियों ने अटेम्प्ट कितने बच्चों ने किया था इस बार, चलो सबको समझ आ गया। अच्छा ये ना, इतनी बात करने के बाद अब FAR 1 की बात करें ना, तो इस तरह पूरा सवाल आना बहुत मुश्किल है। हाँ, नोट के किसी सवाल के अंदर किसी एक एसेट में कुछ हिस्सा फुली डेप्रिशिएटेड रख देगा, ट्रीटमेंट क्या करवाएगा आपसे कि हम ये काम करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए कि ओपनिंग में से उसकी कॉस्ट को माइनस करके डेप्रिशिएट करें, बस, ठीक है ना, इतना को ट्रीटमेंट है, 15-20 बल्कि आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया सवाल करते हुए, इससे निकलना बस इतना एक आध नंबर निकल आएगा, ठीक है ना, बहरहाल कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। अगर दिया होता तो देखते ना बेटा, क्या 2010 में क्या किया होता,
तो 2010 में फिर 2005 वाले भी फुली डेप्रिशिएट हो जाते, वो फिर माइनस करते, लेकिन ये तो बिजनेस क्लोजिंग डेट पे रहा ही नहीं हमारे पास। जिस दिन ये एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हो गया, भाई सवाल सुना करो, जिस दिन एसेट अकाउंट में से ये फुली डेप्रिशिएट क्रेडिट हो गया, क्लोजिंग में नहीं है, अगले साल ओपनिंग में नहीं है, तो अगले साल माइनस करने की जरूरत नहीं है। कोई नया ना फुली डेप्रिशिएट हो जाए, तो 10 में ना हो रहा होता ना 2005 वाला, तो फिर मैं करके दिखा देता। चलो जी, अब आज वाला लेक्चर भी कर ही लें। ओके जी, अब बात यह है कि ये तीसरा और चौथा सवाल जो है, मतलब दूसरा और चौथा, तीसरे की जो बात है वो फिर कर लेंगे इंशाल्लाह, कॉस्ट डिटरमिनेशन पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। ये जो तीसरा, दूसरा और चौथा सवाल है, इसमें ना बस वर्किंग वर्किंग ही है। किसी ने नोट करना है तो पिक्चर ले ले, मैं नीचे कर लूँ इसको। मैं 10 तक गिनूंगा, 1 2, और ये नहीं वो सॉल्यूशन का, 1 2 3, 10 उठा लो, 10 उठा लो, 4 बैठो अभी, 5 6 7 8 9 10। क्या मसला तुम्हें? ये 76 मिटाओ। इसने ना ऐसे ही बोर्ड मिटाते मिटाते उस्ताद बन जाना है, तुम लोगों ने ऐसे ही हंसते रह जाना है इंशाल्लाह। मैं भी बोर्ड मिटाने वाला उस्ताद हूँ, ये अगर ना मिटा के दे तो मैं खुद मिटाता, तो बोर्ड मिटाने वाला उस्ताद ही हूँ, वो मेरा काम कर रहा है, वो समझ आइए ना। तो जब वो मेरे से का काम कर रहा है तो आपको वही रिस्पेक्ट उसको भी देनी चाहिए जो मुझे देते हैं। सर बैठे हैं आप, दिल से दिल से। ओके अच्छा जी, जरा ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े पहले, क्या है सवाल के अंदर चेंज, 10 मिनट के अंदर ये सवाल करना है बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ये किधर से नजर नहीं आ रहा, ये ऊपर रिवैल्यूएशन प्लांट वॉज परचेज्ड, अब नजर आ रहा है, अगर रेट दे दे तो फिर क्या गले पड़ जाएंगे उसके, निकाल के देखोगे तो यही निकलेगा फायदा। अच्छा जी, आप पौधा वास पर चेज ऑन 1 जुलाई 2014, ईयर एंड 30 जून है, फॉर 500, इट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years विद अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 million, इनिशियली इट वाज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट दिस प्लांट एट 54 ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रेट गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप आजमाने के लिए आजमा लें 1 - 8th root 500 / 1/500 करके देखें तो ये उम्मीद है 54 के आसपास ही आएगा, चेक कर लें जरा रेट निकाल लें, 1 - 8th root 1/500, ओ तो फिर नहीं है, ठीक है इनिशियल लाइफ उनका रेट है, उनकी मर्जी है। अच्छा लेकिन 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 सुनो, लेकिन मुझे चेक कराओ 54। ओके अच्छा जी, बहरहाल कहने का मकसद यह है 54 ही आना था, लेकिन छोड़ो इस बात को, जब सवाल ने दे दिया तो फिर हमें क्या जरूरत है, ठीक है, हमें जरूरत आगे पड़ेगी इंशाल्लाह भी जाके, रिवाइज इसलिए करवाया जरा रेट। अच्छा इट वॉज रिवैल्यूड एज फॉलोज, 1 जुलाई 16 पे और 1 जुलाई 18 पे, अब 2-2 साल बाद है तो वर्किंग थोड़ी सी लेंथी करनी पड़ेगी, लेकिन जनरल एंट्री सिर्फ 19 के साल की करनी है, ठीक है। शुरू करते हैं जी वर्किंग जल्दी से, क्योंकि ये एक ही सवाल है इसलिए 2 साल पे इसको डाल दिया ताकि अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। डेट अपनी वर्किंग भी वही है, सब कुछ वही है, एंट्रीज भी वही है, डेस्क्रिप्शन, एसेट का नाम क्या है जी, प्लांट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्यादा तंग तंग तो नहीं लिख दिया, गुजारा हो जाएगा, चलो राउंड करके चलना अगर कोई फिगर आ जाए। ओके जी, किस दिन 1 जुलाई, किस दिन खरीदा 1 जुलाई 14 पे हमने ये एसेट खरीदा 500 का, और इसको हमने डिसाइड किया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 54% डेप्रिशिएट करने का, और रीवैल्यूएशन पहली हो रही है 1 जुलाई दिखा दें जरा सवाल, 1 जुलाई 16 पे, ठीक है ना, इसलिए फिलहाल तो 30 जून 16 तक पहुंच जाए, ठीक है। तो 30 जून 15 आया, डेप्रिसिएशन 500 माइनस वन, कल वाले सवाल स्ट्रेट लाइन था, प्लांट स्ट्रेट लाइन था, और रेजल वैल्यू गिवन थी तो कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू किया था, याद आ रहा है पियानो वाला सवाल, ठीक है। आज वाला सवाल रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में रेजल वैल्यू को क्या करते हैं, कर दिया इग्नोर, ठीक है, इनटू 54% फ्रैक्शन, तो नहीं लगना 270, बुक वैल्यू आ गई 230, फिर 30 जून 2016 आया, डेप्रिसिएशन
टू 30 इंटू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सब्सिक्वेंट ईयर में रेट ने बुक वैल्यू पे लगना है, ठीक है ना। कितना 124 और 106 आ गई बुक वैल्यू 30 जून 16 या यकम जुलाई 16 कह लें, ठीक है। फिर क्या हुआ, ठीक है, सिंपल काम सिंपल है, सिर्फ एक सवाल आपके सामने लाना था बस, दैट्स इट। कोई और फर्क, कोई एंट्री में चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं, बस डेफिन एक्सपेंस की वर्किंग में चेंज है जी। यकम जुलाई 16 को 90 पे चली गई फेयर वैल्यू, तो यकम जुलाई 16 एक लाइन खाली छोड़ी, रिवैल्यूड अमाउंट लिख ली, कितनी 90 16 का आ गया आपको रिवैल्यूएशन लॉस। तो पहले रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए तो कोई मसला है, कोई मसला नहीं, यहां पे कुछ नहीं है, सारे का सारा लॉस, ठीक है जी। फिर 18 में दोबारा रिवैल्यूएशन होनी है, ठीक है, हमने तो 19 के साल तक जाना है क्योंकि एंट्रीज 19 के साल की है ना, 18 नहीं मतलब 19 का साल शुरू हो रहा है तब रिवैल्यूएशन होनी है, तो पहले 18 के एंड तक तो पहुंचे, 30 जून 18 तक जा सकते हैं आप। अब जनाबे वाला 30 जून 18 पे हम डेप्रिसिएशन 17 पे हम डेप्रिसिएशन जब निकालने लगे तो लेना तो था हमने 90 को, पर जिस रेट को यूज करना है वो रेट अब निकालना पड़ेगा, बात समझे हो। क्यों, ओरिजिनल लाइफ थी 8 साल, उसको यूज करके 54% निकला था, चेक कर लो, 1 - √1/500 × 100 ये 54% ऐसे निकला था। अब जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई उस दिन आपको पता है हमने उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती है। अब जब रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे तो कितने साल गुजर चुके अभी तक, 1 और 2, यकम जुलाई 14 से यकम जुलाई 16 तक कितने साल गुजर चुके हैं, 2। जब 2 साल गुजर गए तो रिमेनिंग, अब देखो ना 6, इस फॉर्मूला में अगर ये 6 कर दें तो रेट बदलेगा नहीं बदलेगा, फिर ये कॉस्ट भी बदल के रीवैल्यूड अमाउंट हो रही है, ठीक है ना। जैसे चेंज इन एस्टीमेट के दिन अगर रेट निकालते थे, रिवीजन करवाई थी तो कॉस्ट की जगह हम ले रहे थे WDV एट द डेट ऑफ चेंज, रिवाइज रेजुअल वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ। ऐसे ही रीवैल्यूएशन होने पर अगर ये रेट दोबारा निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा, ये रिमेनिंग लाइफ हो जाएगी, ये रिवाइज रेजुअल वैल्यू हो जाएगी और ये रीवैल्यूड अमाउंट हो जाएगी, बस। उसने खुद कह दिया था रेजिडुअल वैल्यू बदली है, जो रेजिडुअल वैल्यू का बदलना था दूसरे के अंदर, तो हमने रिमेनिंग लाइफ इस वजह से निकाली थी ईयर एंड पे जाके, कुछ दिन क्या हो रहा था उसकी लाइफ ही बदल गई थी, उसने लाइफ खुद बदल दी थी, ना बदलता तो हम ना करते, ठीक है ना। वो अलग चेंज इन एस्टीमेट था, ये अलग चेंज इन एस्टीमेट था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लाइफ शाइफ नहीं बदली, रिवैल्यूएशन हो रही है जस्ट, तो रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर मीनिंग लाइफ निकालनी है, ओके, फर्क जान के जीना है आपने, ठीक है ना, ओके। आजकल भाई मैच ही चल रहे हैं, ये जियो तो ऐसे हैं, लग रहे अब जीत जाए, बहुते भी वैसे ना तबीयत खराब हो जाती है इनकी। अच्छा सॉरी, इधर पहले फॉर्मूला लिख लूं, 1 - √S/C। अच्छा अब इधर देखो जरा, ये एन ओरिजिनली क्या था, यूजफुल लाइफ, ये एस ओरिजिनली रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, और ये सी है कॉस्ट। अच्छा अब यही फॉर्मूला जब हमने चेंज इन एस्टीमेट के दिन यूज किया था तो क्या चेंज की थी, यहां पे रिमेनिंग लाइफ ले ली थी, यहां पे रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू ली थी, यहां पे WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट ले ली थी। आज ये रिवैल्यूएशन के दिन यूज करना पड़ गया तो यहां पर अगेन वही होगा, जिस दिन चेंज इन एस्टीमेट की टाइप की अकाउंटिंग होती है ना रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन जिस दिन हो रही है उस दिन खड़े होकर मीनिंग लाइफ निकालोगे, अगर रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो रही है तो रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू लोगे, और कॉस्ट की बजाय रिवैल्यूड वो लेटेस्ट वाली ही जो उस दिन होगी, ठीक है ना, रिवैल्यूड अमाउंट ले लोगे, ठीक है। तो ये रेट जो निकला ये सवाल में गिवन था, लेकिन अगर आप देखो तो ये रेट निकालना ऐसे हुआ, ठीक है। लेकिन अब 30 जून 17 की जो डेप्शन निकालनी है इसके लिए रेट चाहिए, अब रेट चाहिए तो रेट हमें दोबारा निकालना पड़ेगा, रेट अब 1 - (n) की जगह रिमेनिंग लाइफ लेनी पड़ेगी, और रिमेनिंग लाइफ कितनी निकालेंगे, यकम जुलाई 16 डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे खड़े होकर, समझ आ रही है, सिर्फ मेथड बदला है, 1 - √6 और रेजिडुअल वैल्यू के बारे में कोई खामोशी है, कोई चेंज नहीं है, चेंज होती तो चेंज एस्टीमेट बन जाता, नहीं किया, 1/90 क्या हो गई जी, रिवैल्यूड अमाउंट क्या आ गया परसेंटेज, 53 कर दें, हैं कर दें राउंड,
नहीं करना तो ना करो बेटा, आप जितना कैलकुलेटर पे आ रहा है ना 7618468 वो सारा लिखना, ठीक है, मैं चेक करूंगा आपको। ओके जी, 53% 48, ये डबल स्टार या वर्किंग का नंबर को दे दो, मैंने बस स्टार लगा दिया, ठीक है जी। 48 और एज इट इज, इधर देखो आपको पता ही है जो एसेट के साथ करते हो आप वही सरप्लस लॉस के साथ ही करना पड़ता है आपको, प्लस 8, राउंडिंग चल रही हैवी सीन, 42 जी, 42 और 8, ठीक है। तो भाई परेशान हो रहे हो, रिड्यूसिंग बैलेंस में परेशानी की बात कोई नहीं थी, ज्यादा आसानी होती वो रेट खुद निकाल के देता तो ये काम भी ना करना पड़ता, लेकिन फिर मुश्किल क्या रह जाती, कुछ तो बताना ही है आपको, वहां पे भी तो रिमेनिंग लाइफ आप खुद निकालते थे, अब वो रिमेनिंग लाइफ निकाल के जो स्ट्रेट लाइन था उसी से डिवाइड करते थे, रेट की तरफ जाते नहीं थे, लेकिन यहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लाइफ से काम चलता नहीं है, रेट निकालना जरूरी है, तो जब रिवैल्यूएशन हो गई तो फिर ये रेट इस तरह से लगा के काम करना, ठीक है। माइनस 8 है, अच्छा मैं क्या पता नहीं गल ना पूरी होने देना, मैं समझा रहा ना जी गल वो ना समझ आए, माइनस 8 को सही कर लें बस, 20 जून 17। फिर क्या हुआ, 19 के साल की रिवैल्यूएशन है, 1 जुलाई 18 है, तो 30 जून 18 तक तो पहले आओ, अब 30 जून 18 इधर देखो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, रेट 42 पे, और रेट कितना लगेगा, वो 53 निकला हुआ है, अगर दोबारा रिवैल्यूएशन ना हो तो यही यूज होता चला जाएगा, ठीक है, इसलिए 2 साल का फैसला रखा है सवाल में। अच्छा जी बोले, 20 और सॉरी 8 जो हशर एसिड के साथ वही सरप्लस के साथ। अच्छा अब ये बात जबानी भी बता देता तो इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन मसला यही है कि एक बार सामने बात ना आए तो पता नहीं है, हमें तो कराया ही नहीं, तो हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए, खर्चे में आ गए, सर ने तो स्ट्रेट लाइन मेथड कराया था, अब तो टेस्ट में भी आ सकते हैं, 20 और 4 माइनस लिख दूं वरना भाई ने फिर पकड़ लेना, बुक वैल्यू 30 जून 18, और वो दिन आ गया जिसका इंतजार था, 1 जुलाई 18 पे एसिड रिवैल्यू हो गया, तो 1 जुलाई 18 एक लैंड छड़ो खाली, लिखो रिवैल्यूड अमाउंट 50, वाह वाह 30 का आ गया सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया जी, मुबारक हो। अब पहले इसने लॉस को रिवर्स किया और 26 का सरप्लस थोड़ा सा नीचे चला गया था, थोड़ा सा वापस लाया जगह पे, ये आ गया। अब हमारे साल की एंट्रीज यहाँ से शुरू हुई हैं, पहले ट्रांसफर की यहाँ नजर नहीं आती, और दूसरा सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की, तीसरा ईयर एंड की डेप्रिसिएशन। अब जो हम पहुंचे 30 जून 19 पे डेप्रिसिएशन निकालने, तो रेट ने हंस के दिखा दिया, रेट ने कहा जाओ जरा 3 स्टार पे, क्या मतलब फिर रेट निकालो भाई, देखो ना बात समझ रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक सिंपली क्या होता था, इसलिए नहीं उलझाया था इसमें कि काम कोई नहीं है इतना, रिवैल्यूएशन तो सीख लें, स्ट्रेट लाइन में ये काम हर दफा करते थे, हर दफा रिवैल्यूएशन पर रिमेनिंग लाइफ निकालते थे, अब चूंकि स्ट्रेट लाइन था तो वही रिमेनिंग लाइफ डिवाइड हो जाती थी और काम चल रहा था, तो ये भी वही हो रहा है, हर रिवैल्यूएशन पे हम रिमेनिंग लाइफ निकाल रहे हैं, लेकिन जब रिवैल्यूएशन अमाउंट को डेप्रिसिएट करना है, लेकिन यहां पर रेट जरूरी है, रेट निकालने का फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो अब जब हम रेट निकालने गए तो 1 माइनस 1 जुलाई 18 पे रिमेनिंग लाइफ निकालो, 1 जुलाई 14 से 15 16 17 18 4 साल गुजर गए, टोटल असल जिंदगी थी 8, 8 में से 4 गए तो बाकी 4 रह गए जी, ये 1 नहीं है बेचारा, और ये रिवैल्यूड अमाउंट लेटेस्ट 50 × 100 वाओ 62% जी, 31 की डेप्रिसिएशन आ गई, और 26 के साथ भी वही असर कर दो 62%। मुश्किल तो कुछ नहीं है यार, रिवैल्यूएशन जिसको आती हो सिर्फ रेट ही कैलकुलेट करना पड़ा हमें जी, बोलो 16 चलो लिख लो 19 10, जरूरत तो कोई नहीं थी। अच्छा जी अब सवाल की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 30 जून 19 वाले साल की एंट्रीज करनी, तो पहली एंट्री हमें नजर नहीं आती, दूसरी एंट्री पढ़ी है ये, ठीक है अभी करते हैं पास, तीसरी एंट्री पढ़ी है ये, चौथी एंट्री पढ़ी है ये, 4 ही एंट्रीज होती थी सरप्लस वाले साल में, करें एंट्रीज जे इज, ये जे है जे डॉट ई एस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19, पहली एंट्री 1 जुलाई 18 पर ट्रांसफर की होगी, एंट्री बोलो कोई चेंज नहीं एंट्री में, वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पौधा क्रेडिट
अब एक्यूमुलेटिव डेप्शन निकालनी है, ठीक है ना। इधर देखो, आखिरी रिवैल्यूएशन से ऊपर वाली डेप्शन का तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो सारी की सारी यहां पर देखो ना, जो यकम जुलाई 16 को रिवैल्यूएशन हुई थी उस दिन तक की डेप्शन तो एलिमिनेट हो गई होगी ना। फिर अब जो 18 वाली हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, इसके अंदर 48 और 22 की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी, कितना 48 प्लस 22 70, ठीक है। उसके बाद सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग है, आउटवर्किंग में सरप्लस है, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्लांट डेबिट 30 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग निकाला था हमने 26, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 से, तीसरी एंट्री 30 जून 19 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 31 से, चौथी एंट्री ट्रांसफर की रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 16 से, सवाल हुआ खत्म। मुश्किल लगा, आसान? और आसान हो जाता अगर मैं ये तीनों रेट्स खुद दे देता, लेकिन फिर आप क्या करते, इसलिए थोड़ा सा ये मैक्सिमम यही हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, साल भी दो कर लिए, रेट भी मिसिंग कर दिया। तो मेथड ऑफ डेप्शन रिड्यूसिंग बैलेंस से आईकैप ने अभी तक ना टेस्ट किया है, ना क्वेश्चन बैंक में कोई सवाल है उसका, ठीक है। एहतियातन ये एक सवाल, बस यही एक सवाल है, इसी सवाल को आप आज घर जाकर दो दफा कर लेना, और फिर परिचय से पहले जब रिवीजन करना, जब जब रिवीजन करना, तो जाहिर है चैप्टर के अंदर आएगा, तो 5 मिनट लगा करेंगे इस सवाल को करने में, ये कर लिया करना, ठीक है। बस यही इसकी रिवीजन है, यही इसकी प्रैक्टिस है, दैट्स इट, ठीक है। चेक कराओ जरा रजिस्टर मुझे, तुमने रेट पूरा लिखा या राउंड किया? राउंड किया, इसने रेट राउंड किया, पूरा लिखा है। यार कितना फरमा बरदार बचा है यार, माशाल्लाह यार, यार कोई बात नहीं, आप आइंदा ना करना ऐसे, ऐसे तुम्हें तकलीफ करते रहो इतनी यार, ऐसी बातों से तो दिल जीत लेते हो, तो मेरी इतना फैलने की बात कर दो। ओके आ जाए, मेरे को पिक्चर शिक्चर ले लें, बस नोट करने का टाइम नहीं है आज, आज तो भाई धुआंधार बैटिंग करनी है, फ्रंट फुट पे आ गए हैं, बाबर आजम की ड्राइव है। अच्छा जी, ये पहला चौका लग गया आपको, आओ अब अगली बॉल। अच्छा जी, ये मेथड भी आई कैप ने, वैसे मैं देख रहा हूँ अभी बुक, शायद कोई सवाल अब आ गया हो, मेरी नज़र से फिलहाल गुजरा नहीं है, लेकिन फिलहाल आज से पहले तक आई कैप ने ना तो कभी टेस्ट किया है, ना ही इसके क्वेश्चन बैंक में कोई सवाल मौजूद है, लेकिन अगेन हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जाम्पल है, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ओन्ड बाय अ कंपनी इज कैरिड एट 30 मिलियन, कॉस्ट 40, अक्यूमुलेटेड डेप्शन 10। 30 मिलियन बुक वैल्यू है, ठीक है ना, साथ में ब्रेकअप भी बता दिया, इसकी कॉस्ट 40 थी और डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कितनी है 10। यानी कि सवाल में कैलकुलेशंस में आपको नहीं जानना, बस सिर्फ एंट्री समझानी और तरीका समझाना है। द कंपनीज पॉलिसी इज टू अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल टू ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। अ करंट वैल्यूएशन यानी फेयर वैल्यू या रिवैल्यूड अमाउंट जैसे भी लिखा हो ऑफ दिस प्लांट इज नाउ 50, ठीक है। डेट शेट नहीं लिखी, बेसिकली सिर्फ इस दिन की एंट्री करवानी है आपसे, रिवैल्यूएशन का दिन है ये, रिवैल्यूएशन के दिन की बुक वैल्यू गिवन है और इवन कई दिन की फेयर वैल्यू गिवन है। डेट आप कोई अपनी मर्जी की लिख लेना, 36 तारीख लिख लेना किसी महीने की, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है, 36/15/2000, ठीक है, तो जो मर्जी डेट लिख लो, फिलहाल मुझे उससे कोई लेना नहीं, ये एक ही डेट की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, रिक्वायर्ड है पास जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन यूजिंग पुराने वाला मेथड और नए वाला मेथड, पुराने वाला नेट रिप्लेसमेंट मेथड जिसको हम कहते थे एलिमिनेट कर देते हैं, हम डेप्शन को क्या करते थे, एलिमिनेट कर देते थे, ठीक है, और ये नया क्या है, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, इसमें एलिमिनेट नहीं करते, प्रोपोर्शनेटली रीस्टेट कर लेते हैं। ये क्या है, मुश्किल सा लफ्ज़ अभी देख लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो सब मिटा दूं, किसी ने पिक्चर विक्चर, ठहर जा, हो सकता है किसी ने ये थोड़ा सा गुजार, यहाँ पर भी हो जाएगा, बैठ जाओ, चलो मिटा दूँ भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, नहीं है इतना टाइम नहीं है, ये तो पिक्चर लेने तो ले, अच्छा पर साइड से मिटाना शुरू, चलो मिटा दे, हम ये साथ नोट किए, पिक्चर लिए आपने, दिखा दें इनको, जल्दी करें, नोट हो जाए जल्दी से, जल्दी, अगली बात शुरू होने से पहले, लो जी कहा तो 5 मिनट था लेकिन लग जाता टाइम गया, इस पे 5 मिनट ही लगाने, आप जो मर्जी हो जाए, अच्छा टाइम ना देखा करना यार, समझाना भी तो होता है, अब ना समझ आए तो 5 की बजाय सारी क्लास लग जाए, फिर कोई मसला नहीं है। ओके,
पहले हम करते हैं ओल्ड ओल्ड काम जो आज तक करते आ रहे थे, ठीक है, उससे एंट्री पास कर लेंगे फिर रिवर्सन वाली, और फिर न्यू वाला काम कर लेंगे वर्किंग भी और उससे एंट्री भी पास। छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, महसूस हो रहा होगा टॉपिक एंड पे आता है ना, जब छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, वो दो चीज़ें बस आज छोड़ देनी है मैंने, वो कल और परसों में तोड़ तोड़ के एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि बहुत बोर हो गए, मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ, नया टॉपिक शुरू होना चाहिए, बाकी इससे जान नहीं छूटनी। आइए 36 पढ़ना है ना, फिर नोट का एक सवाल आप करेंगे उसमें आज 36 भी होगा, फिर आइए 23 पढ़ना है ना, फिर नोट के दो तीन सवाल आई के अपने भी पास पेपर में दिए हैं वो करने हैं हमने, तो नोट बनता रहेगा, रिवैल्यूएशन होती रहेगी, ये चलता रहेगा, लेकिन साथ में एडिशंस आते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल 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 ही खत्म नहीं हो गया, हाँ अब साथ साथ और चीज़ें इंटीग्रेटेड टॉपिक्स भी इसके साथ साथ तैयार होते थे, ठीक है। तो जी नेट रिप्लेसमेंट मैथड, ये कौन सा मैथड है जो हम आज तक कर रहे थे, पुराना पुराना भाई, ओल्ड क्यों कहूँ, पुराना। कोई भी डेट है, ठीक है, उस डेट पे बुक वैल्यू, आप कह रहे नहीं बुक, अच्छा बुक वैल्यू लिख लें डायरेक्ट, बुक वैल्यू 40 माइनस 10 30 आ रही है, ये एसेट आ गया, ठीक है ना, वतनी ऐसे ही करते थे ना, बुक वैल्यू पे पहुंच गए हम, ये रिवैल्यूएशन के दिन की बुक वैल्यू है, और इस दिन करंट वैल्यू क्या है 50, तो एक लाइन खाली छोड़ते थे और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लेते थे, तो रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी 50, 20 का आ गया हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस, डेट ना होने से परेशान हो रहे तो कोई डेट लिख लो बेटा, नहीं हो रहे परेशान, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके इधर चलते हैं जी, अब ये रिवैल्यूएशन के दिन कितनी एंट्रीज करते होते थे हम, दो एंट्रीज करते थे, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की। ट्रांसफर मतलब एलिमिनेट, आज समझ आया, एलिमिनेट का मतलब एक्युमुलेशन को डेबिट करके क्या कर देते थे, निल जीरो, ठीक है। तो ट्रांसफर की एंट्री दरअसल हम एलिमिनेट कर देते थे जितना डेफिनेशन का, ये असल स्टैंडर्ड जिंदगी में कभी खोलोगे ना बड़े होकर, ठीक है, तो उसमें ये इसी तरह से लिखे होंगे एलिमिनेट एक्युमुलेशन, और फिर आगे लिखा होगा रीस्टेट प्रोपोर्शनेटली, तो पता होना चाहिए एलिमिनेट वाला कौन सा था, नेट रिप्लेसमेंट मेथड जो हमने पढ़ा, और रीस्टेट प्रोपोर्शनेटली वाला वो ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड कहलाता, ठीक है। ओके तो रिवर्सन के दिन पहली एंट्री हम करते थे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ऐसे का कोई नाम था, हाँ था ना, तो वह एंट्री में तो वही लिखेंगे ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पौधा जी, एक्युमुलेटेड एब्सेंट डेबिट पौधा क्रेडिट 10 से, ये 10 कहां से आया, सवाल में गिवन था ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेकंड एंट्री सरप्लस है या लॉस है, सरप्लस है, एंट्री एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, चलो ये बात भी किसी वक्त करेंगे, भारत क्रेडिट कितने से, ये तो भूली क्या बात करना ना, चलो स्टेटमेंट चेनी कुटी जब बनाएंगे ना तब फिर देखेंगे, दिस पुराना मेथड इज ओवर। अब आपको आगे क्या करना है, ओ भाई सवाल में लाइफ दी होगी ना, फिर रिमेनिंग लाइफ निकालोगे, और अगले साल जब डेफिसिट ईयर एंड पे निकालोगे तो रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ डेफिसिट कर दोगे, बस वही कहानी है आगे, ये तो पुराना मेथड है ना। अब आते हैं ग्रॉस रिप्लेसमेंटी, नहीं लिख गया मैं मेंटी मेथड जी, ये मेथड है नया नवा, चलो नवा लिखना, ऑनलाइन वाले मैसेज करके पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ है, नया नया मार्स से आए बच्चे है ना जी, नया मेथड आ गया। लो जी कॉस्ट एसेट की कितनी है 40, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 10, और बुक वैल्यू कितनी है 30, ठीक है जी। अब रिवैल्यूएशन से पहले बिफोर रिवैल्यूएशन ये सिचुएशन थी, ठीक है, सही है ना। अब आ गया वो दिन जिसका इंतजार था, एसेट होना है रिवैल्यू, और हमने क्या कंपैरिजन किया था यहीं से देख लो, बुक वैल्यू और कॉस्ट का, यानी यूं कह लें हम अपनी बुक वैल्यू को, सॉरी बुक वैल्यू रिवैल्यूड अमाउंट का कंपैरिजन किया था, यानी यूं कह लें हमने इस बुक वैल्यू को उठा के रिवैल्यूड अमाउंट पे हम ले गए थे, 30 को उठा के 50 पे ले गए थे, ये काम किया था ना। इस मेथड के अंदर आपने इस 10 को एलिमिनेट नहीं करना, सही है, यानी इसको कायम रखना है। अब अगर कायम रखना है तो क्या करें,
भाई हम ऐसी प्रोपोर्शनल से इन दोनों चीजों को बढ़ाएंगे कि उनका आंसर 50 हो जाए। तरीका क्या होगा? स्टेप वन देखो जरा, स्टेप वन हम इस 30 को एज इट इज, एंट्रीज भी करनी है थोड़ा सा इसको ऐसे जरा स्मार्टू सा जी, कहां पे ले जाएंगे 50, ये स्टेप वन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, रिवैल्यूड अमाउंट लिख दी, कितनी जी 50, नजर में आए ब्लू में तो उनके लिए ब्लैक। अब क्या ऐसा काम करें कि हम इस 10 को खत्म भी ना करें और इन दोनों का आंसर 50 आए? तो भाई इस 40 को भी बढ़ाओ प्रोपोर्शनेटली और 10 को भी बढ़ाओ प्रोपोर्शनेटली ऐसे कि इनका नेट 50 आ जाए। वो कैसे होगा देखो, हम कहेंगे जी ये जो 40 है ना 40, ठीक है ये 30 है, इसको ले जाना है 50, ऐसे लिख दो। तो परसेंटेज याद है गिवन अमाउंट ओवर, हाँ वो 40 जो है ये 30 की, ये 30 तक ले गया था, हमें इसको चाहिए 50 पे ये ले जाए हमें। तो बताओ क्या आंसर आता है यहाँ पे, क्या आंसर आया 67 हो गया, 67 हो गया। ठीक है बात समझे हो, ऐसे ही अब इस 10 को कर लो रीस्टेट प्रोपोर्शनेटली, ये 10 जो है ये 30 इसकी वजह से आया। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये ऐसे हो जाए कि ये 50 के लिए ऐसा आंसर दे, तो क्या आंसर आ गया 17। तो देखो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने एलिमिनेट नहीं कर दिया बल्कि रीस्टेट कर दिया, रीस्टेट 10 से रीस्टेट करके 17 कर दिया, रीस्टेट किया प्रोपोर्शनेटली सो दैट, ये पढ़ो, दिस मेथड इन्वॉल्व रीस्टेटिंग प्रोपोर्शनेटली द कॉस्ट अकाउंट एंड एक्युमुलेशन अकाउंट सो दैट नेट कैरिंग अमाउंट इक्वल टू नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू या फेयर वैल्यू। ठीक है समझ गए बात। अब फिर एंट्री भी तो है, तो भाई देखो इधर ये है आफ्टर शॉक्स, आफ्टर रिवैल्यूएशन ये सिचुएशन हो गई है। देखो कुछ एलिमिनेट हमने नहीं किया, अब ध्यान से देखना जरा, एसेट 40 से 67 पे गया, बोलो एसेट बढ़ा के कम हुआ, बढ़ने पे तो एसेट डेबिट कितने से, हाँ 17 से नहीं, वही 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 जो आप कह रहे हैं समझ गया। ठीक है 40 से 67 पे आ गया, एसेट बढ़ा बोलो, एसेट डेबिट 27 से, एक्युमुलेटेशन भी बढ़ा दिया हमने 10 से कहां ले गए 17 पे, तो ये बढ़ा है तो इसकी नेचर क्रेडिट है, तो बढ़ने पे क्रेडिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 7 से, बैलेंसिंग फिगर 20 की, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ओ वाह सरप्लस तो आज भी वही है, सिर्फ मेथड बदला है उसके कैलकुलेट करने का। ठीक है उससे ऑनवर्ड सब काम वैसे ही है, बस ये दो एंट्रीज मिलकर बन गई एक, आगे सब वही है। अब आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, ये 50 आपकी रिवैल्यूड अमाउंट है, रिमेनिंग लाइफ निकालोगे, डेप्रिसिएशन निकालते जाया करोगे, डेप्रिसिएशन भी आएगी और सरप्लस भी आएगा, जाहिर है ये वर्किंग अलग से कर लोगे ना। ठीक है और फिर उसको आगे चलाई जाओगे, सरप्लस को भी आहिस्ता आहिस्ता निकालोगे, अगेन एंट्री दो ही होंगी क्योंकि सरप्लस नजर आ रहा होगा, तो सरप्लस को भी ट्रांसफर करोगे, एसेट को भी डेप्रिसिएट करोगे, तो बाकी सब काम बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है समझ के बाद फर्क सिर्फ क्या पड़ा, वर्किंग ऐसे नहीं है, हमने कायम रखना है दोनों को, एसेट अपनी जगह पे, तो ऐसे रीस्टेट किया कि ये दोनों ऐसे बढ़े के नेट में जो आंसर आया वो फेयर वैल्यू के बराबर आ गया। एंट्री में क्या किया हमने, एसेट बढ़ा 27 से, एक्युमुलेशन बढ़ी 7 से, बैलेंसिंग फिगर 20 क्रेडिट साइड पे आ रही है, तो ये सरप्लस ही तो है, ये सरप्लस बेसिकली ये 30 से 50 पे हम ले गए हैं एसेट को नेट में। जी जी वो फिर आप जैसे मर्जी शो कर दें, ठीक है मतलब चलाना वैसे ही है, सरप्लस आ गया अब। ठीक है ये 50 तो यहाँ पे 7 में सरप्लस 20, अब इस 50 को डेबिट करते जाओगे, इस सरप्लस को भी ऐसे ही जैसे काम करते, आगे सब कुछ वैसे ही, एंट्रीज भी सब सेम है, सिर्फ चेंज क्या आया वो आपको बता दी। तो हम अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ले गए थे तो सवाल में कुछ भी चेंज नहीं आया था, वर्किंग में सिर्फ कैलकुलेशन चेंज हुई थी, और अगर रिवैल्यूएशन का मेथड बदल दें तो भी सिर्फ रिवैल्यूएशन के दिन वाली दो एंट्रीज एक हो जाती है। अगेन टेस्ट नहीं हुआ, बहुत ही मुश्किल है टेस्ट हो जाए, लेकिन बताना जरूरी समझा मैंने। अच्छा भैया देखें जी, वो नोट कर लिया होगा बच्चों ने, अच्छा इधर देखे भाई, इसको जरा तमीज में ले आए। अब 17 होमवर्क डिस्कस हो गया, कॉस्ट रिप्लेसमेंट मेथड हो गया, कॉस्ट डिटरमिनेशन की बात किसी वक्त टाइम निकाल के कर लेंगे, आपको आती है एसेट की कॉस्ट में डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट ऐड करते हैं, टेस्ट में भी हमने देख लिया था, फिर भी थोड़ी सी बात करनी तो है ही, जाहिर रिवीजन है ना इंट्रो की, करवा दूंगा किसी वक्त। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रिवैल्यूएशन सीख ली हमने, अब ये जो है ना भाई मैंने बोला रोड इंटरनेशनल वाला सवाल और एंशियंट वाटर, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है और दूसरा
एक एसेट जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स की लाइफ डिफरेंट हो उसको हम कैसे डेप्रिशिएट करते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी आई 16 के ही हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज थोड़ी सी ना एंड पे बात, अभी में से कोई और बात करें ना तो ऑलरेडी इतनी बम्बार्टमेंट हो गई आई 16 के कॉन्सेप्ट से थोड़ा परेशान होंगे। तो नई चीज़ के शौक में ना थोड़ा सा हम एक छोटी सी चीज़ सीख लेंगे, तफसीली बात नहीं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम सीख लेते हैं नए स्टैंडर्ड का। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह वक्त मिलने के साथ साथ, हो सकता है कल ना वक्त मिले परसों मिल जाए, हो सकता है एक का मिले हो सकता है दोनों का मिल जाए, कर लेंगे इंशाल्लाह। हैंडआउट में इसीलिए आपको दे दिया ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए, मैं भाग ना सकूं इससे, ठीक है ना। अगर ना देता तो मैं भूल जाता, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था एक चीज़ भूल गया मैं, हाँ OCI का जिक्र करना, लेकिन वो तो अच्छा ही हुआ कि भूल गया, रिवर्सिंग पक्की हो गई है। अब जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनाना सीखेंगे तो उसमें मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट देकर वहां पे एंट्री सीओ के नजर भी आती है, फिर वहीं पे वो कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा, ठीक है। ओके, अब क्या करें, पिछला सेशन ही खोलना पड़ना है मुझे लग रहा है, वो किधर चला गया। असल में मैं सुबह आते तक ये सोच रहा था हो सकता है IS 23 शुरू कर दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। IS 36 के लिए ज़्यादा दिल कर रहा है, लास्ट टाइम भी मैंने यही करवाया था कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट। चलिए जी, एग्जांपल यूज़ करनी हुई तो मैं कर लूँगा, आप छोड़ें इस बात को, आप ज़रा ये सारा सी बातें पहले सुन लें। हमारे पास एक गाड़ी है कार, उस कार से हम कितनी तरह के फायदे ले सकते हैं आपके ख्याल में? अकाउंटेंट बन के मत सोचना, एक आम मैंगो मैन बन के सोचो, उसको चला के उससे किराए वसूल कर लें या उसको आज ही बेच दें, बिजनेस के लिए रखी हुई, ठीक है ना, अपने लिए नहीं है, पर्सनल के लिए नहीं है। अगर हमने एक गाड़ी रखी हुई है और बिजनेस के पर्पज के लिए है तो वो दो तरह से फायदा हमें दे सकती है, या तो उसको चला के उससे किराए लें या उसको आज ही बाजार में बेच लें। तो एसेट, कोई सा भी एसेट हो हमारा, वो हमें दो तरह के फायदे देने के लिए हर वक्त तैयार होता है, ठीक है। आपके पास एक भैंस है, आप उस भैंस से दो तरह के फायदे ले सकते हैं, आप उसको अपने पास रखें, चारा डालें, पेट्रोल डालें, पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, ठीक है ना जी, गाड़ी में पेट्रोल डालें, गाड़ी के ड्राइवर को तनख्वाह दें और किराए आए, वो अलग बात है, भैंस में पेट्रोल नहीं डालना, ठीक है। आप भैंस रखें, उसको चारा डालें, मुलाजिम रखें, उसकी खिदमत करें और दूध उसका बेचें, या आप उसको आज ही जाके कसाई को या मंडी में बेच के कैश फ्लो ले सकते हैं। आपके पास एक मुर्गी है, आप उसे दो तरह के फायदे ले सकते हैं, आप उसको पालें, दाना डालें और उसके अंडे बेचें, या आप उसको आज ही जिबा कर दें। अच्छा, IFR 2 में ये स्टैंडर्ड भी है, इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एसिड्स का, वो पहले पढ़ा दें। अच्छा ओके, तो मकसद कहने का ये है कि कोई भी एसेट हमारे पास हो तो वो हमें हर वक्त दो तरह के फायदे देने के लिए तैयार है, या तो हम उसे आज ही इस्तेमाल करना बंद कर दें और बेच दें तो हमें बाजार से उसकी एक वैल्यू मिलेगी, फेयर वैल्यू पे वो बिकेगा, लेकिन हम उसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस कर देते हैं। जैसे आपकी गाड़ी, किसी ने कहा गुजरांवाला में अच्छा रेट मिलेगा, आप वहां ले गए बेचने, तो गुजरांवाला लेकर गए बेचने, तो गुजरांवाला वो 10 लाख की बिकी और आपको 5,000 उसका पेट्रोल पड़ गया, तो आपको तो 9,95,000 मिला, मतलब आपकी कॉस्ट टू सेल माइनस हो जाती है, NRV ना कहो जी, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में बोला तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही बोलो, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। आप यहाँ पे भैंस बेचने लगे, किसी ने कहा मुल्तान जाके बेच दो, ठीक है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, आप जो पिकअप में उसको लेकर गए वहां तक ले जाने का किराया पड़ गया, अब भैंस आपकी बिकी 1 लाख की, उस पर 10,000 किराया पड़ गया, तो आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 90,000 मिला, ठीक है। तो एक तो फायदा आपका एसेट ये दे सकता है, ठीक है, मुर्गी बेचने ना जाना, ठीक है, अच्छा काफी है। अच्छा, दूसरा, आप उस एसेट को इस्तेमाल करो, ओवर द ईयर्स इस्तेमाल करोगे, गाड़ी मिसाल के तौर पे आप अगले 3 साल इस्तेमाल करते हो गाड़ी, ठीक है, अब वो गाड़ी 3 साल इस्तेमाल करोगे तो उससे किराए आएंगे, इनफ्लोज, लेकिन वो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखा हुआ है, उसको तनख्वाह दोगे, आउटफ्लोज, आप पेट्रोल वगैरह डालोगे उसमें, मेंटेनेंस करोगे, ऑयल चेंज कराओगे, टोल शोल पे करोगे, ये क्या है, आउटफ्लोज। तो अगर आप एसेट को यूज़ करते हो तो कुछ एक आपको इनफ्लोज होते हैं और कुछ आउटफ्लोज इस्तेमाल करने के, ऐसे ही आप अगर आज बेच देते हो तो फिर आपको आज भी कुछ इनफ्लोज होते हैं और कुछ आउटफ्लोज वो बेचने के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कोई एक ईयर एंड आया, आपकी डाइवो बस है, कौन सी बस है, आपने डाइवो जो है वो एक ली हुई थी और आपकी डाइवो जो चलती है तुम लाहौर के हो, कहाँ से हो, रहीमयार खान से लाहौर डाइवो बस हमारी चलती है, ठीक है, ये उसमें सफ़र करता है, सही है। अब वो एक ही टाइम है, पक्का टाइम,
ठीक है। रहीमिया खान से सुबह रात को निकलता है, वो सुबह यहाँ पहुंच जाता है और फिर यहाँ से दिन में एक बार वो निकलता है और शाम को वो टाइम रहीमिया खान जाता है। मिसाल दे रहा हूँ, नाराज ना हो जाना रहीमिया खान, इतना बड़ा शहर है सर, गाड़ियाँ जाती हैं, मैं मान रहा हूँ। ठीक, अच्छा, अब वो डाइवो हमारी चल रही थी, ठीक है जी, बेहतरीन। हम जो है वो मिसाल के तौर पर हमने यकम जनवरी 2011 को खरीदी थी वो डाइवो 100 रुपये की, मतलब अगर इतनी सिफरें मर्जी लगा लो, करोड़ रुपये की खरीदी थी, ठीक है ना, 100 रुपये की हमने वो डाइवो खरीदी थी यकम जनवरी 2011 को। और 11, 12, 13, 14, 15, 16 तकरीबन वो 6 साल हमने चला ली बेहतरीन। हमारे रूट पे कोई हमारा मुकाबिल नहीं है, हम ही हम हैं, चैन ही चैन। रावी लिख रहा था कि यूटोंग बस आ गई, यूटोंग चलने लगी ना, सफर करने वालों को बताओ बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बसें, वो किसी ने ना हमारे रूट पे वो बस भी चला दी। अब 31 दिसंबर 2017 में सासर डाटा भी देख रहा हूँ डेट्स ताकि वही हो जाए एग्जाम्पल वाली। अब 31 दिसंबर 2017 पे जब हमारी डाइवो आके खड़ी होगी हमारे अड्डे पे तो थोड़ी सी खांसी, हम उसे पूछेंगे क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता लगा यूटोंग आ गई है, कंपेटिटर आ गया, तो फिर तुम्हें क्या है। अब खुद सोचो, ये भाई साहब मेरे पे बैठ के तो जाने से रह रहे इंजार खान, वो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सीटें, बेहतरीन आरामदेह गाड़ी, किराया भी तकरीबन उतना ही, तो वो शशके हैं और इधर हैं शशके, और तो आप मुझे टेंशन है। हमने कहा हाँ डाइवो तुमने बात तो ठीक की है। अब फौरन ही हमें ये डर पड़ गया कि जो एसेट हमारी किताबों में नजर आ रहा है, हमारी डाइवो जो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एप्शन WDV पे नजर आ रही है, बुक वैल्यू पे नजर आ रही है, हो सकता है कि जितनी वैल्यू पे हमारी बुक्स में नजर आ रही है उतनी वैल्यू अब इसकी रही नहीं, तो फिर हम इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। 31 दिसंबर 2017 की शाम को खड़े होके हम इस पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं। क्या करते हैं जी, इम्पेयरमेंट टेस्ट, फर्क शर्त इंशाल्लाह सारे बताऊंगा, डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट में क्या फर्क है, अभी कंफ्यूज नहीं करना, ये कल की बात है, 5-7 मिनट होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो हर साल करते हैं ये, जब कोई यूटोंग आए तब, ठीक है ना, जब कोई कंपेटिटर, कोई इंडिकेशन, बहुत सारे इंडिकेशन है, पूरी लिस्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इंपेयरमेंट बगैर किसी इंडिकेशन के नहीं, हर साल करते रहते टेस्ट लगाते, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन तो हर साल करनी है, एसेट इस्तेमाल हो रहा है, वैल्यू लूज कर रहा है, डेप्रिसिएट किए जाओ, एसेट इस्तेमाल हो रहा है और कोई इंडिकेटर आ गया, मिसाल आपको एक ही दिया फिलहाल, एक ही जहन में रखो, कंपेटिटर आ गया, अब आपको शक पड़ गया कि ये एसेट जो है ये जितनी हम सोच रहे थे हमें इससे वैल्यू ड्राइव होगी अगले सालों में, हो सकता है अब इतने पैसे, जाहिर सी बात है अब सवारी उधर भी जाएगी, हो सकता है ज्यादा उधर चली जाए, हमें पूछे ही कोई ना, तो शक तो पड़ गया ना। तो जब भी कोई इंडिकेटर आए तो हम उस इंडिकेटर के दिन, जिस दिन इंडिकेटर आ गया, हम ईयर एंड पे उस दिन खड़े होकर अपने एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। ये इंपेयरमेंट टेस्ट क्या होता है, हम अपने एसेट के बारे में जो है वो कैलकुलेशंस कुछ करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर आज ही हम अपने इस एसेट को बेच दें तो हमें क्या मिलेगा। दो फायदे दे सकता है ना एसेट, बोला था ना अभी क्लास, क्या आज ही बेच दो तो क्या मिलेगा, ये क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और अगर अगले 2-3 साल जो हमने सोचा था अभी लाइफ इसकी रिमेनिंग है उसको, उसमें इसको इस्तेमाल करके बेचें तो क्या फायदा आएगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं ये बता देता हूं अभी, ठीक है। इन दोनों में से जो हायर होगा वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, हम कहेंगे मैक्सिमम ये फायदा हमारा एसेट दे सकता है। अब अपनी बुक्स के अंदर जो हमारे पास बुक वैल्यू नजर आ रही होगी उससे कंपेयर करके देख लेंगे कि औकात जितनी नजर आ रही है क्या उतनी औकात है हमारे एसेट की, अगर उतनी ना हुई तो उतनी औकात पे ले आएंगे, इसको इंपेयरमेंट लॉस कह देंगे। तो ये करके देखते हैं इस सवाल के डाटा से, ठीक है। अभी अभी 5 मिनट का आसान सवाल है, ठीक है, इसकी सारी रिक्वायरमेंट थोड़ी पढ़नी। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एन एसेट, कॉस्ट है यकम जनवरी 11 पे 100 रुपये, यूजफुल लाइफ 10 साल, फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2017 पे 35 रुपये, और कॉस्ट टू सेल 31 दिसंबर 2017 पे 7 रुपये। ये मैंने कहा आपको, ये सवाल में डाटा कम है ना क्योंकि ये एग्जांपल है छोटी सी, ठीक है ना। ये 31 दिसंबर 2017 को मैंने जो कहा ना यूटोंग आ गई, इस तरह से क्लास की एग्जांपल बनी हुई है ना, लास्ट टाइम क्लास में ऐसे ही लिख दी थी, इस दफा वही वाली क्लास वाली एग्जांपल इधर बस लिख के रख दिए ताकि वो लिखने का टाइम बच जाए, ठीक है ना, वो सिर्फ जबानी की हुई बातें हैं इसी तरह से, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2017 पे यूटोंग आ गई तो हमें फेयर वैल्यू भी पता लगी, इस दिन की कॉस्ट टू सेल भी लगी पता। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन नेक्स्ट 3 ईयर्स आर एज फॉलोज, एक तो ये है 31 दिसंबर 2017 पे हम इसको बेच दें तो हमें क्या मिलेगा, 35 - 7 = 28 रुपये आज ही मिल जाएंगे इस बस से, ठीक है, आज ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम फैसला करें नहीं हम तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर किराए आएंगे, लेकिन तनख्वाहें जाएंगी, पेट्रोल जाएगा, मेंटेनेंस जाएगी और खर्चे होंगे भी सही, तो इनफ्लोज भी होंगे और आउटफ्लोज भी होंगे। तो आज खड़े होकर अगर हम सोचें कि अगले 3 साल जो इसकी रिमेनिंग लाइफ है, 7 गुजर चुके हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11 में खरीदी थी ना, 7 गुजर चुके हैं, यूजफुल लाइफ 10 थी, तो फिर रिमेनिंग कितने हैं, 3। या तो आज बेच दें या अगले 3 साल इस्तेमाल करें। अगर अगले 3 साल अगर आज बेचते हैं तो क्या मिलते हैं नेट में, 28 रुपये, और अगर 3 साल इस्तेमाल करते हैं तो क्या आता है, एनुअल इनफ्लोज 8 रुपये, किराए की मद में 8 रुपये हर साल आएंगे, हर साल 8-8, और खर्चे होंगे 2 रुपये हर साल। एक और चीज भी तो है, तीसरे साल के एंड पे भी बिक तो जाएगी,
ठीक है, आज वाले पैसे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है कम मिलेंगे, लेकिन मिल तो जाएंगे ना, कबाड़िए को भी भेज दो तो सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ ईयर 3/11 आएंगी, ये एस्टिमेट्स हैं, ओके। और डिस्पोजल कॉस्ट भी उस दिन आएगी 3, तो यानी 8 रुपये उस दिन भी रिसीव होंगे, ठीक है। सवाल हमारा खत्म हो गया, इधर आओ, उधर मिटाया नहीं तुमने, मिटा दिया था पहले, बस यही साइड बस चाहिए थी, बस काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है, ओके। अच्छा जी, इधर देखें, हम ना इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं, सवाल पूरे पूरे होंगे, सवालों में पूरी पूरी अंग्रेजियां कहानियां बेहतरीन लिखी होंगी, परेशान ना हो, इस तरह का सवाल नहीं होगा, ये तो कहानी मैंने खुद सुना दी यूटोंग वाली, यकम जनवरी 11 को हमने डेवो खरीदी थी, 7 साल हमने रिमयार खान चला ली थी, 31/17 पे यूटोंग आ गई है, तो उस दिन आंकड़े हुए हम, ठीक है। अब 31/17 ही हमारी इंपेयरमेंट टेस्ट की डेट है, ठीक है। तो इस दिन खड़े होकर हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, 1 बुक वैल्यू 31/17 की, ठीक है, उसके बाद क्या बताया आपको, 2 तरह के फायदे एसेट दे सकता है, 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ऐसे लिख दूं, ठीक है। ये भी किस दिन चाहिए होगी हमें, ये भी 31/17 पे, और तीसरी चीज होती है वैल्यू इन यूज, अगर इन यूज रखें तो फिर उस कैश फ्लोज की क्या वैल्यू होती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर के जितने भी कैश फ्लोज होते हैं, अभी करके दिखाऊंगा, फ्यूचर के जितने कैश फ्लोज होते हैं, ये बात आपको पता है, पहली बार बात क्विकली होती है, थोड़ी सी होती है, इसलिए आपकी तरफ बात फेंक के घर भेजता हूं, आज सोचते तो रहेंगे इंपेयरमेंट भी कोई चीज है, डाइवो गुजरेगी तो सोच आएगी, थोड़ी सी बात सोचेंगे, ये टॉपिक तो अभी शुरू भी नहीं हुआ तो करेंगे, तफसील से स्टैंडर्ड है, 4-5 दिन इस पे लगेंगे करने में हमें, ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक लेकिन अभी बहुत काम रहता है इसमें, तो फिलहाल तो सोचना शुरू कर देंगे, इसलिए थोड़ी सी बात वो रोक के ये कर रहा हूं, ठीक है। उससे बड़ा फायदा होता है, अगले नाते ना आपके जहन में काफी क्वेश्चन उभरे हुए होते हैं, तो फिर उससे फायदा मुझे हो जाता है। अच्छा, फ्यूचर कैश फ्लोज जो होंगे उनको हम देखो, फ्यूचर के कैश फ्लोज नहीं ले लेने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज लेंगे। क्या मतलब, 31/17 पे खड़े हो, आज की बुक वैल्यू है, आज की फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल है, और कैश फ्लोज हैं अगले 3 साल के, तो लाइक विद लाइक का कंपेरिजन तो नहीं होगा ना, तो हमें वैल्यू इन यूज जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज होती है, वो भी किस दिन चाहिए होगी, 31/17, ठीक है। अब डाटा हमारे पास मौजूद है, हमने एसेट खरीदा था 100 रुपए का 1 जनवरी 11 पे, और 31/17 तक 7 साल चल गया, तो बुक वैल्यू तो कोई मसला ही नहीं है, 100 में से माइनस करो 7 साल की डेप्रिसिएशन, इंटू 7 कर दें, 70 माइनस होना तो क्या बच गया, 30। हमारी किताबों में इस एसेट की औकात कितनी है, 30 रुपए। आज होमवर्क नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, नहीं है कोई होमवर्क नहीं, रिक्वायरमेंट भी नहीं पढ़नी, मैंने हैंडआउट के अंदर देखूंगा आज ये बात लिखूंगा भी या नहीं लिखूंगा, लेकिन आपकी तरफ बस जरा थोड़ी सी डिस्कशन मैंने करनी थी एंड पे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये भी गिवन है सवाल में, फेयर वैल्यू है 35, देखो 31/17 की है, कॉस्ट टू सेल 7, ये भी 31/17 की है, ठीक है, तो 35 में से 7 माइनस किया 28, ठीक है। वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी, इसके लिए हम एक वर्किंग कर लिया करेंगे, बहुत सिंपल सी वर्किंग है। हम इस दिन किस दिन खड़े हैं जी, 31/17 पे खड़े हैं, आज बुक वैल्यू कितनी है, 30. आज फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल कितनी है, 28. अगर इस्तेमाल का फैसला करें तो कितने साल इस्तेमाल करना है, रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। और सवाल में क्या कह रहा है, एनुअल इनफ्लोज 8 है, एनुअल आउटफ्लोज 2 है। सवाल खामोश हो हमेशा, आप ए एफ सी में पढ़ा ही होगा वैसे, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये कैश फ्लोज जो हैं ईयर एंड पे आते हैं, ठीक है ना। तो 8 रुपये हमें इस दिन इनफ्लो होंगे पहले साल के एंड में, बोलो, और 2 रुपये आउटफ्लो होगा, तो नेट का इनफ्लो कितना होगा पहले साल के एंड, ऐसे ही दूसरे साल का एंड आएगा, 8 का इनफ्लो, 2 का आउटफ्लो, नेट में 6, फिर 8, 2 और 6। एक तो ये एसेट को चलाने से अगले 3 साल हमें इनफ्लोज होंगे, ठीक है। दूसरा, तीसरे साल के एंड पे जो हमने इसको बेचना है, तो फिर 11 में से 3 निकालो 7 नहीं 8, ये भी आए, तो ये टोटल कैश फ्लोज हैं, 6-6 हर साल के एंड पे आना है, और 8 तीसरे साल के एंड पे। मुझे पता है AFC आपको याद आ रही है, आप कह रहे हो इस पे एनुइटी का फैक्टर लग जाएगा, इस पे सिंपल डिस्काउंटिंग, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल ये कह रहा हूँ, हर एक को इधर बुलाना है, हमें 31/18 या 19
या 20 के कैश लोस को कंपैरिजन की इजाज़त नहीं है 31 और 17 वालों से, ये 60 को भी बुलाएंगे, ये सॉरी 6 को, दूसरे 6 को भी बुलाएंगे, ये तीसरे 6 को भी बुलाएंगे और इस 8 को भी बुलाएंगे, ठीक है। अब वर्किंग वन हम निकाल रहे हैं जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, जिसका टेक्निकल नाम होता है वैल्यू इन यूज, ठीक है। ये कैसे निकलेगी देखो, 6 को बुलाएंगे, 1 प्लस आई रेस टू पार माइनस एन, कुछ कुछ याद आ रही है एफसी, सिंपल डिस्काउंटिंग, 1 प्लस आई रेस टू पार, एनविटी का फॉर्मूला कल लगाएंगे, टेंशन ना लो आज नहीं लगा रहे, ठीक है, ओके जी। तो 6 को हम कितने साल वापस बुलाएंगे, 1 साल, डिस्काउंट रेट सवाल में गिवन था, मैंने पढ़ने नहीं दिया था, डिस्काउंट रेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज 10%, तो 1 प्लस आई मतलब 1.1 रेस टू पार माइनस 1 प्लस, नहीं इकट्ठा कर लो, अगले 6 को कितने साल बुलाना है वापस, 1.1 रेस टू पार माइनस 2, फिर अभी चल रहा है माजरा, जगह खत्म होगी, तीसरे 6 को बोलो 6 × 1.1 रेस टू पार माइनस 3 साल पीछे बुलाया इसको, और वो आखिरी 8 को ये भी 3 साल पीछे वापस आएगा, तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू इन यूज 21। कल इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। बात ये है कि अब मैंने ये समझो कैलकुलेशन हुई नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कैलकुलेशन समझो हुई नहीं, सवाल में गिवन है, ये तो ऐसे ही बस थोड़ी सी मैंने कर दी, हुई नहीं कैलकुलेशन ये, ठीक है। आंसर इधर लिख के मुझे बताओ बात क्या है, ये समझ आ रही है, बात ये है, मार्कर दो, कि अगर हम इस एसेट को आज बेच दें तो 28 रुपये मिलेंगे, 3 साल इस्तेमाल करते रहें तो 21, तो अक्लमंद आदमी क्या करेगा, आज बेच देगा, ये जो हायर होती है इसको रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं, ठीक है जी। तो हमारा बेसिकली कंपैरिजन होता है बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का, और रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज, इसकी कैलकुलेशन कल सिखाऊंगा, बड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हमारा एसेट 30 पे नजर आ रहा है, औकात उसकी 28 है, तो फिर 2 से औकातों बार हुआ है, तो क्या करेंगे, 2 रुपए से इसकी इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री करेंगे, ये सब कुछ कल दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। इस 2 की एंट्री सिर्फ देख लो, बहुत मुश्किल एंट्री है, वेरी टफ। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी याद है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेशन क्रेडिट, इंपेयरमेंट की एंट्री है इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, चलो कितने से, 2 रुपए से। कल यही सवाल दोबारा करूंगा, यही सवाल दोबारा करूंगा, और इंशाल्लाह उसके बाद इसका नोट भी बनाना सीखेंगे, ओके डन जी, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।